हेलो बच्चों, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, अ नंबर 15 इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट विच आर इन एपी एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ऐसे जो तीन नंबर है जिनका सम 15 होगा और वो एपी में है, तो हम एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं कि जो पहला नंबर होगा वो हमारा ए होगा, ठीक है। और इससे पहले का नंबर हम कैसे करेंगे, अगर इनमें से हम डी माइनस कर दें तो पहला नंबर आ जाएगा a माइनस डी। अब इसमें अगर हम डी प्लस कर दे तो तीसरा नंबर भी आ जाएगा, है ना। तो एज्यूम कर लिया। अब दिया क्या है कि अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारा आंसर आएगा 15। ऐड करें, a माइनस डी प्लस a प्लस ए प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा हमारा 15। अब ऐड करो, d से d कैंसिल, प्लस माइनस, ये हो गया हमारा 3a इक्वल टू 15, a इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब दूसरी कंडीशन दी है, अगर हम इन तीनों का स्क्वायर को प्लस कर दें तो हमारा आंसर आएगा 83। तो स्क्वायर को भी प्लस करते हैं, a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 83, ठीक है। अब इन तीनों को हम सॉल्व करते हैं। पहले वो सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर, अब इसे सॉल्व करते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू क्या होगा हमारा 83। प्लस माइनस से कैंसिल, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं, हमारा आएगा ए स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 83, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, जब हमें ए की वैल्यू दी हुई है ना, हाँ दी हुई है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 83 और d स्क्वायर आएगा हमारा 2d स्क्वायर आएगा हमारा 8, d आएगा हमारा 2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जब हमें a और d दे दिया है तो हम क्या तीनों नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। तो पहला नंबर हमारा क्या था, a माइनस डी इक्वल टू क्या आया 3। दूसरा नंबर क्या था, a क्या हुआ हमारा 5। और तीसरा नंबर क्या होगा, a होगा 5 प्लस डी 2 7। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा 3। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।